नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज हम अपनी जो विशेष श्रृंखला है हिंदी कहानी, उसके तहत एक नई कहानी पर चर्चा करेंगे और ये कहानी है कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। पहले आपका परिचय हम करवाएंगे कृष्णा सोबती जी से, उनके जीवन पर एक नज़र डालेंगे और उसके बाद सिक्का बदल गया इस कहानी पर हम विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और यही कहना चाहेंगे कि अपने अध्यापन काल में प्रयास करती आई हैं कि किस प्रकार छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर सकें, और इसी प्रयास के साथ ये सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आप सभी को जानकारी देती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप नित्य प्रति लाभ भी उठाते हैं। मित्रों, आपके पास एक मौका और है, अगर आप साक्षात प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए तरीका बहुत आसान है, आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आप सभी मित्रों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप व्याख्यान के आखिरी 10 मिनट में ही कॉल करें, जिससे सबसे पहले आपके लिए इस व्याख्यान को समझना आसान हो जाए और उसके उपरांत आपकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने का वादा हम देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का। डॉक्टर ढींगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कीतिका। नमस्कार मित्रों, किसी भी रचना को समझने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस रचना के रचनाकार को भी समग्रता के साथ समझें, क्योंकि किसी भी रचनाकार का परिवेश, उसका पृष्ठभूमि, उसके समाज का उसके ऊपर गहराई से प्रभाव पड़ता है। उसकी विचारधारा ना केवल अपने परिवार से बनती है, अपितु उसके आसपास के वातावरण में जो परिस्थितियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका भी उसके विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कृष्णा सोबती भी इससे अछूती नहीं थी। विभाजन से पूर्व पंजाब के गुजरात जिले, जो अब पाकिस्तान कहलाता है, में 18 फरवरी 1925 में कृष्णा सोबती का जन्म हुआ। इन्होंने लाहौर, शिमला और दिल्ली में अपनी शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय नौकरी करने के उपरांत कृष्णा जी ने अपना संपूर्ण जीवन लेखन में लगा दिया और वो निरंतर अपने विभिन्न विधाओं के माध्यम से अपने पाठकों को न केवल उत्कृष्ट रचनाएं दे रही हैं, अपितु उनको नित्य प्रति नई नई रचनाओं से उन्हें लाभान्वित भी करा रही हैं। कहानी संग्रहों की दृष्टि से यदि हम देखें तो बादलों के घेरे उनकी उत्कृष्ट कहानी संग्रह है, जिसमें लगभग 24 कहानियां हमें मिलती हैं। यहाँ ये बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि कृष्णा सोबती ने लगभग 16-17 वर्ष की अल्पायु में ही कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था और तब से अब तक अनवरत रूप से वो रचनाएं लिखती रही हैं। इन रचनाओं का, बादलों के घेरे में जो 24 कहानियां हैं, उनका रचनाकाल 1944 से 1960 के लगभग का रचनाकाल है, जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर अपनी लेखनी चलाई। साहित्य में यदि हम देखें तो कहानियों में उनकी जो उत्कृष्ट कहानियां हैं या जिनको उल्लेखनीय कहानियां हम कह सकते हैं, उनमें दादी अम्मा, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ को लिया जा सकता है। कृष्णा सोबती ने केवल अपने आप को एक विधा तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उपन्यास, कहानी, उपन्यासिका, संस्मरण इत्यादि अनेक विधाओं में लेखनी लिखकर, रचनाएं लिखकर अपने पाठकों को लाभान्वित किया है। उनकी उपन्यासिका डार से बिछड़ी 1972 की रचना है। उपन्यासों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, डा से बिछड़ी, जिंदगी नामा, जिंदा रोग, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के समय सरगम को लिया जा सकता है।
यात्रा संस्मरण विधा में उन्होंने बुद्ध का कमंडल लद्दाख लिखा। चित्र आख्यान यदि हम देखें तो जैनी मेहरबान सिंह 2007 की रचना है। संस्मरण में उन्होंने हम हशमत नाम से हम हशमत एक, हम हशमत दो, हम हशमत तीन लिखे, जिसमें उन्होंने विभिन्न साहित्यकारों के व्यक्ति चित्रों को उकेरा है। उनकी अन्य रचनाओं में शब्दों के आलोक में 2005 की रचना है तथा सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ कृष्णा सूक्ति को लिया जा सकता है। उनकी कुछ रचनाओं का नाट्य रूपांतरण भी हुआ और समय समय पर वो विभिन्न मंचों में मंचित भी हुई हैं और पाठकों की जिज्ञासाओं को उन्होंने बढ़ाया है और लोकप्रिय रहीं। मित्रों मैं जानी, ए लड़की, डा से बिछड़ी, जिंदगी नामा भाग दो, कुछ अंश, बहुवचन एक, फोन बजता रहा, समकालीन भारतीय साहित्य इनकी अन्य रचनाएं हैं। अपने विपुल साहित्य के लिए कृष्णा सोपति को समय समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। इनके कुछ पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार से हैं: साहित्य अकादमी अवार्ड, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी फेलोशिप, कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार, श्लाघा पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और ज्ञानपीठ सम्मान। समय सरगम के लिए कृष्णा सोपति को व्यास सम्मान से नवाजा गया था, किंतु उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना कर दिया। अपनी इस अस्वीकृति के विषय में उनका कहना है, किसी भी अच्छी कृति को एक सम्मानीय पुरस्कार तक पहुंचने में अगर 8 से 10 बरस लगें तो उसे अनदेखा करना ही साहित्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। पुरानी पीढ़ी और पुरानी कृति के सम्मुख नई कृति के पुरस्कृत होने के संयोग को निरर्थक हो जाने देना ठीक नहीं है। मित्रों मजानी, ए लड़की, यारों के यार, तीन पहाड़ रचनाएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित और लोकप्रिय होती रहें। यारों के यार, तीन पहाड़ वस्तुतः दो अलग अलग रचनाएं हैं, किंतु एक ही जिल्द में प्रकाशित होने के कारण कुछ लोग इन्हें एक ही रचना मान लेते हैं। 1941 से 1950 तक की कालावधि में कृष्णा सोपति ने जिन कहानियों की रचनाएं की उनमें सिक्का बदल गया, नफीसा, लामा, डरो मत, मेरी माँ कहाँ है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा कहानियों को विशेष रूप से सराहा गया। 1951 से 55 तक की कालावधि में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में जिन रचनाओं को स्थान मिला उनमें एक दिन, खम्मा खड़ी, अन्नदाता, आज़ादी शम्मूजान की, कामदार भीकम लाल, बदली बरस गई, गुलाब जल गडेरिया, बादलों के घेरे उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में यदि हम देखें तो संवेदना संपूर्ण रूप में प्रवाहित होती हमें दिखाई देती है। बादलों के घेरे रचना की सभी कहानियाँ पाठकों पर अपना गहरा प्रभाव अंकित करने में सक्षम रहती हैं। लेखिका के तेज तर्रार लेखन को यदि हम देखें तो बदली बरस गई और सिक्का बदल गया इन दो कहानियों के माध्यम से देखा जा सकता है। इनकी कहानियों को लेकर समय समय पर विभिन्न आलोचकों के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहा। कुछ लोगों ने इनकी रचनाओं की भाषा को लेकर इन पर आपत्ति जाहिर की है। डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र की तद विषयक उक्ति है कि उनके जिंदगी नामा जैसे उपन्यास और मित्रों मरजानी जैसी कहानी संग्रहों में मासलता को भर दिया गया है। केशव प्रसाद मिश्रा जैसे आधे अधूरे सेक्सी रचनाकार भी पीछे छूट गए,
बात यह है कि साधारण शरीर की अकेली कृष्णा सोपती हों या नाम निहाल अकेली मनु भंडारी या प्राय वैसे ही कमलेश्वर अपनी से अपनी कृतित्व को बचा नहीं पाए। कृष्णा सोपती की जीवन कथा यौन कुंठा उनके पात्र पर छाई रहती है, किंतु यदि हम ध्यान से देखें तो कृष्णा सोपती ने इन बातों का खंडन करते हुए ये बात बताई है कि जिस भाषा का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है वो भाषा हमें समाज में फैली हुई दिखाई देती है। चाहे वो पढ़े लिखा समाज हो या अशिक्षित समाज हो, इस प्रकार की भाषा हमें कहीं ना कहीं पढ़ने में, सुनने में या लिखने में दिखाई दे जाती है। अतः जब हम समाज से जुड़कर किसी भी रचना की का सृजन करते हैं तो हमें उस भाषा को भी लेना आवश्यक हो जाता है जिस भाषा को या को बोलने वाले पात्र हम उस कृति में दिखा रहे हैं। हम हशमत एक 1977 की रचना है जिसमें कृष्णा सोपती ने 21 व्यक्तित्वों के चित्रों को उभारने की चेष्टा की है। इन चित्रों में निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, नागार्जुन, महेंद्र भल्ला, मनोहर श्याम जोशी, गोविंद मिश्र, मियां नसीरुद्दीन, सरदार जग्गा सिंह अपने आप में उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं। हम हशमत दो में उन्होंने जो 1999 की रचना है वो 337 पृष्ठों की वृहदाकार रचना है जिसमें लेखिका ने हिंदी, गुजराती और उर्दू के लगभग 19 रचनाकारों को लिया है और इनके रेखाचित्रों को उन्होंने लिखने की कोशिश की है। 1980 में बाबा नागार्जुन का रेखाचित्र अत्यंत मार्मिक बनकर उभरा है। नाम सिंह का चित्र सबसे लंबा है जो लगभग 50 पृष्ठों में फैला हुआ है। इसके पश्चात लगभग 40 पृष्ठों में अशोक वाजपेयी का संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। सबसे छोटा रेखाचित्र 4 पृष्ठों का बलवंत सिंह का है, किंतु यहाँ ये बात रेखांकित करना चाहूँगी कि चाहे कोई सबसे लंबा रेखाचित्र हो या 4 पृष्ठों का बलवंत सिंह का रेखाचित्र हो, अपने आप में ये सभी रेखाचित्र महत्वपूर्ण हैं और पाठकों को बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अन्य रेखाचित्रों में जिन रेखाचित्रों को हम समादर की दृष्टि से देख सकते हैं उनमें कृष्ण बलदेव का रेखाचित्र, लेखिका की घनिष्ठ मित्र और प्रकाशक शीला संधु का रेखाचित्र, राजेंद्र सिंह बेदी, श्रीकांत वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, प्रयाग शुक्ल, नासिरा शर्मा, सत्येंद्र कुमार, स्वदेश दीपक और गुजराती के वरिष्ठ लेखक स्वर्गीय उमा शंकर जी का रेखाचित्र उल्लेखनीय है। बादलों के घेरे रचना का प्रकाशन 1980 में हुआ। इस कहानी संग्रह में 24 छोटी बड़ी रचनाएं सिमटी हुई हैं। विषय की दृष्टि से यदि हम देखें तो इन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। प्रेम संबंधी रचनाएं, विभाजन और विस्थापन से संबंधित रचनाएं तथा स्त्री की निजता को लेकर लिखी गई कहानियां। इन कहानियों में हमें वो समय दिखाई देता है जो गुजर चुकने के पश्चात भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है, जिसे अनदेखा करना रचनाकार के लिए और पाठक के लिए मुश्किल है। ये वो चेहरे हमारे सामने लेकर आते हैं जिनका सच हृदय में कहीं गहराई से हमें छू जाता है और एक लावा फूटता है और रचनाकार उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये कहानियाँ पाठक को संवेदना के कई धरातलों पर छूती हुई नज़र आती हैं। इस संग्रह की सबसे छोटी कहानी नफीसा कहानी है जो 2 पृष्ठों में है। ये एक मरती हुई छोटी सी बच्ची की व्यथा कथा है। लामा कहानी 3 पृष्ठों की रचना है
लामा उन बच्चों की मनोभूमि को, मनोभावों को हमारे सामने उपस्थित करता है जो छोटे बच्चे हैं ये नहीं जानते कि मृत्यु किसे कहते हैं। लामा की मृत्यु के बाद भी वो प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु के पश्चात भी उनका मित्र लामा उनके पास दोबारा आ जाएगा। अन्य कहानियों में मेरी माँ कहाँ, दादी अम्मा, टीलों ही टीलों महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जिन्होंने पाठकों पर समय समय पर अपना गहरा प्रभाव अंकित किया है। वरिष्ठ आलोचक विजय मोहन सिंह ने इनकी रचनाओं के विषय में अपना मत अभिव्यक्त करते हुए लिखा है, सोबती जी के कथा लेखन की विशेषताओं को समझने के लिए उनका बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है, वरना उनकी कहानियों की रचनात्मक बुनावट इतनी सघन है कि प्राय आसानी से सरलीकृत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यहाँ पर हमें इस बात को देखना ज़रूरी हो जाता है कि कृष्णा सोबती की कहानी को जब तक हम आद्यंत नहीं पढ़ते तब तक उसका समग्र प्रभाव पाठक पर अंकित होना ज़रूरी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि वो हो ही नहीं सकता क्योंकि घटनाएं आपस में इतनी सघनता के साथ जुड़ी हुई हैं कि हम कहानी के किसी एक भाग को लेकर अपने ऊपर कोई भी प्रभाव अंकित होता नहीं देखते हैं। पूरी की पूरी कहानी हमारे ऊपर एक समग्र प्रभाव डालती है। लेखिका से जब पूछा गया कि लिखना उन्हें कैसा लगता है तो लेखिका ने अपने एक साक्षात्कार में इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि मेरे लिए लिखना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जीना। यह जो कृति है वह तब भी लिखी जा रही होती है जब लेखक उसे लिख नहीं रहा होता। स्पष्ट है कि कोई भी कृति पाठकों के सम्मुख आने से पहले रचनाकार के दिमाग में लिखी जा रही होती है, और जब रचना और रचनाकार एक हो जाते हैं तब कृति का वास्तव में जन्म होता है और तब वो अपने पाठकों के सम्मुख आती है, और वो जिस रूप में आती है वो समग्र रूप में आती है, किंतु खंड खंड रूप में एक एक बुनावट में वो किस प्रकार से अपने रचनाकार को आंदोलित करती है इसे कोई रचनाकार ही अनुभव कर सकता है, उसे बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक विषय उसको पूरी तरह से आंदोलित नहीं करता उसे इतना मथता नहीं है कि उसमें से एक सृजन की पीड़ा को अनुभव करते हुए एक रचना का जन्म हो जाता है। इसे या तो कोई माँ समझ सकती है कि किस प्रकार से सृजन होता है, या कोई रचनाकार इसका अनुभव कर सकता है। कृष्णा सोबती के साहित्य में हमें मानवीय संवेदनाएं नज़र आती हैं जो पाठकों को उनके हृदय में अंदर तक गहराई तक छूती हैं। राजनीतिक सत्ता में, राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से नेता लोग सत्ताधिकारियों में द्वंद्व होता है इसका बांगी अगर हमें देखनी है तो भी हमें कृष्णा सोबती के साहित्य में दिखाई देती है। इसके साथ ही उनका साहित्य दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को, उनकी मानवीय मूल्यों को भी हमारे सामने उद्घाटित करने में सक्षम है। किस प्रकार से पुरानी जो पीढ़ी है वो मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय मूल्यों को, आदर को, त्याग को, प्रेम को महत्व देती है, और किस प्रकार से आज का युवा जो है वो केवल व्यक्तिगत सोच रखता है, स्वार्थ रखता है, और उसका संबंधों में, रिश्तों में कोई भी विश्वास नहीं होता, वो केवल संबंधों को ढोता है। सामाजिक पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति विभिन्न संघर्षों को जीता हुआ, उनसे लड़ता हुआ अपना मार्ग प्रशस्त करता है, ये बात भी हमें कृष्णा सोबती के साहित्य को पढ़कर समझ में आती है। कृष्णा सोबती ने अपनी कहानियों में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा विलक्षण है, सृजनात्मक है, और उनके पात्रों के माध्यम से लेखिका के मनोभावों को पूरी तरह से
अपने पाठकों तक संप्रेक्षित करने में सफल होती है। संतुलित भावाभिव्यक्ति है लेखिका की, और साहित्य यात्रा में हम डार से बिछड़ी से लेकर जैनी मेहरबान सिंह तक यदि हम देखते हैं तो उनकी भाषा में निरंतर निखार हमें दिखाई देता है। कृष्णा सोबती ने कहीं पर भी एक ही विषय को लेकर रचनाएं नहीं लिखी हैं। उनकी रचनाओं में यदि हम समग्र दृष्टिपात करें तो हमें विषय वैविध्य दिखाई देता है। उन्होंने जिस भी विषय को उठाया उन्होंने सहजता के साथ स्वाभाविक रूप में चित्रांकन किया है। उनकी कथा नायिकाएं मैं केवल मैं ही हूँ का उद्घोष करती नजर आती हैं। निश्चित रूप से कृष्णा सोबती समाज में पुरुष वर्चस्व की बात स्वीकार करती हैं, मानती हैं कि हमारा पुरुष समाज है, पुरुष सत्तात्मक समाज है जहाँ पर पुरुष का अपना एक महत्व है। किंतु उसके साथ ही उनकी रचनाओं के माध्यम से हमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी नायिकाएं भी अपना एक दृढ़ स्थान समाज और परिवार में रखती हैं, और जहाँ कहीं उन्हें लगता है कि उनके अस्तित्व के साथ उनकी विचारधाराओं के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो निर्णायक की स्थिति में आकर निर्णय लेने में भी सक्षम होती हैं। इन नायिकाओं के जीवन में कहीं पर भी बहुत बड़ा बदलाव हमें दिखाई नहीं देता, किंतु छोटे छोटे बदलावों के कारण ये अपने जीवन को समेटने में संवारने में सक्षम दिखाई देती हैं। छोटी छोटी समस्याओं से जूझती हैं और जूझकर उन कठिन परिस्थितियों में से ही उन समस्याओं का समाधान निकालने का निरंतर प्रयास करती हैं। सिक्का बदल गया में शेरे दाऊद खां की शाहानी के प्रति जो प्रतिक्रिया है, नफीसा कहानी में नफीसा की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो चाहे हमें आकस्मिक नज़र आती हैं किंतु फिर भी सहज हैं और मानवीय संवेदनाओं को छूती भी नज़र आती हैं और बताती हैं कि चाहे व्यक्ति शुरू से लेकर अपने आप में एक स्वार्थ की भावना रखता है, दूसरे के प्रति मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार रख देता है, किंतु फिर भी है तो मनुष्य ही, और इसलिए कभी ना कभी वो अपने प्रति किए गए उपकार को मानता है, समझता है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग पर उन्होंने कहीं पर भी अपनी रचनाओं में कटाक्ष नहीं किया है। उनकी रचनाओं में व्यक्ति अपनी समग्रता के साथ हमें दिखाई देता है। यदि उस व्यक्ति में अच्छे गुण हैं तो उसमें श्याम पक्ष भी है, उसमें बुराइयां भी हैं, और इसीलिए शायद उनकी रचनाएं अपने पाठकों पर अधिक प्रभाव अंकित कर पाती हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं दिखाया कि व्यक्ति केवल अच्छा ही अच्छा हो सकता है। व्यक्ति है इसलिए उसमें मानवीय दुर्बलताएं भी हो सकती हैं। उनकी कहानियों के पात्र स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम में विभक्त नहीं हैं, वो मानव हैं और मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए हैं। गुलाब जल गंडेरिया की वैश्या धन्नो हो, एक दिन की शीला हो, ये सभी अकेलेपन घुटन संतरास पीड़ा से निरंतर जूझते हुए दिखाई देते हैं, किंतु अपनी पीड़ा का अपनी कुंठा का ये किसी पर दोषारोपण नहीं करते, उसे जीवन का एक अंग स्वीकार करते हुए उसमें स्वयं बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, और धीरे ही धीरे क्यों ना हो उनके जीवन में बदलाव अवश्य आता है। इन सभी पात्रों के अंदर एक अंतर्द्वंद की भावना हमें दिखाई देती है। वो जीवन और यथार्थ, कल्पना और क्या चल रहा है, इसके बीच द्वंद्व से ग्रसित रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं में एक ही चरित्र विभिन्न आयामों को, विभिन्न पक्षों को, जीवन की विभिन्न घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए दिखाई देता है। इस संदर्भ में कृष्णा सोबती ने एक जगह लिखा है,
एक से मुखरे और तेवर वाली भाषा में सोचना और लिखना मुझे उबाऊ लगता है। अपने को परे सरकाकर पात्रों के अनुरूप भाषा और मुहावरे को ढालना मात्र प्रयोग नहीं, लेखक की सामर्थ्य का एहसास भी देता है। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो लेखिका की भाषा में हमें सटीक शब्द योजना, पात्रानुकूल शब्द चयन, मनोहारी प्रकृति चित्रण, काव्यात्मक गद्य, और गद्य इसलिए क्योंकि इन्हें काव्य की जगह गद्य इन्हें अपनी भावोभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त लगा, और इसीलिए इन्होंने कविता के स्थान पर गद्य विधा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकार किया। किंतु जैसे हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक कवि छुपा होता है, हम बचपन से बुढ़ापे तक कभी ना कभी एक दो लाइन की रचनाएं ज़रूर लिखने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में कहीं हमें ये भी नज़र आता है कि कृष्णा सोबती की गद्य भाषा में कहीं कहीं काव्य का पुट भी दिखाई देता है। उनका मानना भी है कि गद्य की स्पष्टता और उसके वैचारिक और सामाजिक खरेपन ने मुझे लगातार अपनी ओर खींचा है, अपनी कशिश विशेष से उकेरा भी है। एक रचना के रचनात्मक केंद्र में लेखक के संवेदन के साथ साथ भाषा ही उसकी सीमाओं का अतिक्रमण कर रचना को व्यापक बनाती है। किसी लेखिका के द्वारा इस प्रकार की मांसल भाषा, या जिसे हम सभ्य समाज में असभ्य भाषा कहते हैं, अन्य कहीं पर भी देखने को पहले नहीं मिली। किंतु जैसा मैंने पहले कहा कि अपने इस आरोप के बारे में कृष्णा सोबती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज में इस प्रकार की भाषा भी दिखाई देती है, और यदि वो समाज से जुड़कर रचना लिखती हैं तो उन्हें इस भाषा के प्रयोग में कहीं पर भी अनुचित नहीं लगता। लेखिका ने कहा है कि जब यारों के यार जैसी गंभीर कहानी लिखी जाती है तो वह अपनी व्यक्तिगत या सामाजिक नफासत के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखी जाती। एक रास्ता से उबरने उबारने के लिए गालियां दोहराई जाती हैं, लेखक न्यूट्रल रहता है, ना इनके हक में ना इनके खिलाफ। गालियां भी बोलचाल की जिंदा जबान का एक महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों, इस प्रकार से हमने अब तक लेखिका के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर एक समग्र दृष्टिपात किया है। अब कुछ देर उपरांत हम उनकी सिक्का बदल गया कहानी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से विस्थापन के समय पे हिंदू मुस्लिम बंटवारों में किस प्रकार से मानवीय संवेदनाएं निरंतर दरकती चली गईं और मनुष्य अपने आप को अकेले से अकेला महसूस करता चला गया। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा को, जिनके माध्यम से हमने इस प्रथम सत्र को यहाँ समाप्त किया। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सिक्का बदल गया इस कहानी के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। एक अल्प विराम के बाद हम आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए।
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं कृष्णा सोपति जी के सिक्का बदल गया इस कहानी पर, और बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा हिंदी की जानी मानी प्रोफेसर हैं और सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से ये निरंतर आपको ओतप्रोत करती हैं अपने ज्ञान से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके ज्ञान से लाभ भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, अगर आज के विषय संबंधी कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा आपके मन में इस वक्त उजागर घर है, तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप साक्षात प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। अब मैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। जी प्रीतिया, सिक्का बदल गया लगभग 1950 के आसपास की रचना है। ये 7 पृष्ठों में सिमटी हुई रचना है, जिसमें देश विभाजन की पृष्ठभूमि में परिवर्तित होते मानवीय मूल्य और रिश्तों का दस्तावेज लेखिका ने हमारे सामने समेट कर रख दिया है। पहले स्वतंत्रता से पहले हम सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब मिलकर आज़ादी के सपने देखते थे। हमें लगता था कि हम सबके सपने एक हैं, आशाएं एक हैं, इच्छाएं एक हैं, किंतु स्वतंत्रता अपने साथ उन सपनों को साकार रूप में लेकर नहीं आई। वो लेकर आई विभाजन, त्रासदी, सांप्रदायिकता और बंटवारा, जहाँ पे जो दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। विभाजन ने सांझी संस्कृति को ही ना केवल नष्ट कर दिया था, बल्कि मनुष्य के अंदर सोए हुए शैतान को भी जगाकर बाहर कर दिया था। पाकिस्तान में दशकों से बसे समृद्ध शाह परिवार की वृद्धा विधवा शाहानी की ये कहानी है। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ पुरखों की हवेली को छोड़कर किस प्रकार से शाहानी को शरणार्थी शिविर में जाना पड़ता है, इसका बहुत सुंदर मार्मिक अंकन लेखिका ने इस कहानी में किया है। गांव मुसलमान हिंदू सिखों में बट गया था। चाहे वो सब अंदर ही अंदर जानते थे कि यह अनुचित है, किंतु सभी के सभी विवश थे। वो जानते थे कि शाहानी के साथ वो जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं अनुचित है, क्योंकि शाहानी ने जब तक वो इस गांव में रही थी उनके प्रति उदार दृष्टि ही अपनाई थी। नवाब बीबी आश्चर्य से कहती है, शाहानी हमने तो कभी ना सोचा था। किसी के मन में भी ये बात नहीं थी कि विभाजन होगा। स्वतंत्रता हमें किस प्रकार से एक दूसरे के लिए नफरत हमारे मन में पैदा कर देगी। शाहानी को ट्रक में बिठा कैंप में पहुंचा दिया जाता है, जहां उसका बिस्तर ज़मीन होता है और उसकी आंखें विगत की स्मृतियों को सोच सोच कर भर जाती हैं। आंसुओं का सैलाब झरझर झड़ने लगता है। कहानी का प्रारंभ शाहानी और चिनाब नदी के आपसी संबंध के साथ शुरू होता है। शाहानी को याद आता है जब वो दुल्हन बनकर इस गांव में आई थी, तब से निरंतर आज तक वो इसी चिनाब नदी में स्नान करती थी। स्नानोपरांत सूर्य देव को अर्घ देती शाहानी याद करती है कि किस प्रकार से शाह जी के होते हुए ये जितने भी चिनाब नदी के आसपास के खेत हैं, बड़ी हवेली है, चबूतरे हैं, ये सब उनके हुआ करते थे। शाह जी और पुत्र की मृत्यु के उपरांत भी शाहानी बहुत अदब के साथ, बहुत शानो शौकत के साथ इस हवेली में रहती थी। यहाँ के लोग उसके अपने थे, जिन्हें वो जब चाहे अपनी मदद के लिए बुला सकती थी, उनकी मदद कर सकती थी। किंतु आज उसने ये देखा
कि रेत में अनगिनत पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। शाहनी आशंका से ग्रसित हो उठी। उसे लगा कि आज क्या है, कहीं कुछ अनिष्ट अमंगल तो नहीं होने वाला। वो कहती है, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है। शाहानी ने यह कभी नहीं सोचा था कि वह जो कुछ आभास कर रही है वह कुछ घटेगा भी। वह महसूस करती है कि वह एकाएक अपने ही समाज, अपने ही घर, अपने ही देश में पराई हो गई है। वो शेरा को बुलाती है। शेरा मुसलमान है, किंतु शाह और शाहानी ने उसे अपने बच्चे की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया था। किंतु शाहानी को ये समझ नहीं आता कि जिस बच्चे को वो अपना बेटा मानती है वो ही स्वतंत्रता के पश्चात विभाजन की त्रासदी से जूझता हुआ किस प्रकार से उसी का शत्रु बन गया, किस प्रकार से वो हवेली लूटने के षड्यंत्र में ही नहीं शामिल हुआ, वो शाहानी की हत्या करने के बारे में भी सोचने लगा। इतना ही नहीं, विगत एक हफ्ते में शेरा 30 से 40 हिंदुओं का कत्ल कर चुका था और वो शाह परिवार जिसने उसको पाल पोसा था, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा था, उसके प्रति भी एक अजीब से मनोभाव से ग्रसित हो जाता है और उसे लगता है कि शाह की समृद्धि का कारण शोषण है। उन्होंने उस गांव में जो कुछ भी अर्जित किया वो शोषण पर आधारित था और इसलिए यदि वो थोड़ा बहुत दान पुण्य करते थे तो कौन सी बड़ी बात थी। शाहानी के पीछे पीछे चलता शेरा उसे हवेली तक छोड़ने आ जाता है। शाहानी अपनी अनिष्ट की आशंका को उसके साथ साझा करती है, किंतु शेरा कुछ नहीं कहता। इतना ही नहीं, वो जलालपुर में लगने वाली आगजनी से भी उसे सचेत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि शाहानी के बहुत सारे नाते रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। इतना ही नहीं, वो उसकी हत्या करने और हवेली को लूटने के षड्यंत्र की भी भनक शाहानी को नहीं लगने देता। हम देखें तो इस प्रकार से इस रचना का प्रारंभ कलात्मक है, मूल संवेदना का संकेत देता है और शाहानी की मनोदशा को हमारे सामने व्यक्त करता है। शाहानी की स्मृति पटल पर उभरते हुए ये अतीत के चित्र हमें आगे की कहानी की आशंका या आगे की कहानी के विषय में बताते से दिखाई देते हैं। शाहानी निरंतर अकेलेपन का एहसास करती है। वो कुछ कुछ चीज़ों को समझ रही है पर उसे अभिव्यक्त नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन लोगों के साथ मैं विगत 50 वर्षों से रह रही हूँ वही मुझे यहाँ से निकालने की बात सोच रहे हैं। और इस प्रकार से द्वंद्व की स्थिति को साथ में लेकर कहानी आगे बढ़ती है। रसूली शरणार्थी शिविर तक पहुँचाने वाले ट्रकों के आने की बात बताती है। जलालपुर में लगी आग पूरी तरह से आसमान को अपने में समेट लेती है और ऐसे में बेगू पटवारी मुल्ला इस्माइल भी रसूली की बात को रेखांकित करते हुए बताते हैं कि अब समय आ गया है जब हिंदुओं को वहां से निकलकर अलग जाना पड़ेगा, ट्रकों में बैठकर शरणार्थी शिविर तक की यात्रा करनी पड़ेगी। शाहानी समझ जाती है कि अब इस गांव को छोड़ने का समय आ गया है। कहानी की चरम सीमा में यदि हम देखें तो शाहानी मूर्छित से हो जाती है। उसे अपना घर, जहां पर उसने अपना इतना लंबा जीवन व्यतीत किया था, अपनी और शाहजी की द्वारा अर्जित की गई
सारी की सारी संपत्ति, हवेली, कुएं, सब को छोड़कर जाने का दुख होता है। निश्चित रूप से ये जो संपदा है वो तो मूल्यवान होती ही है, पर इसके साथ साथ वो रिश्ते, वो नाते, वो जो हम आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं वो ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति दूसरी जगह जाकर भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, किंतु जो रिश्ते छूट जाते हैं वो निश्चित रूप से बहुत अधिक पीड़ा देते हैं। और शाहनी को यही पीड़ा अंदर ही अंदर साल रही थी कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा था, अपना ही नहीं अपने से बहुत अधिक बढ़कर माना था, वो ही अब उसे विस्थापित करने पे तुले हुए हैं। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं थी, गांव का गांव खड़ा था। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाह जी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, गांव के सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। बूढ़ी शानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है, और सिक्का बदलने के साथ साथ जिस ड्योढ़ी पर अब तक मशवरे होते थे, फैसले होते थे, वहीं पर ही उसकी हत्या और हवेली के लूटने की साजिश भी रची गई थी। लेखिका ने शाहनी को केंद्र में रखकर परंपरागत मूल्यों के विस्थापन की बात की है। उन्होंने ये चाहा है कि जिन मूल्यों को हम निरंतर भूलते जा रहे हैं, हमें कुछ देर ठहर कर सोचने की अब आवश्यकता है कि हम आज कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो सांची संस्कृति अच्छी थी या आज की संस्कृति अच्छी है, जहां हमें यही नहीं पता कि हमारे घर के लोग कैसे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। उस सांझी संस्कृति में एक का सुख दूसरे का सुख था, एक का दुख दूसरे का दुख था। कहीं पर तीज त्यौहार होते थे, सारा गांव एक दूसरे के साथ मिलकर उसे उत्सव की तरह मनाता था। एक के दुख में सारा का सारा गांव उमड़ आता था उसकी सहायता में, किंतु अब हम एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए हैं, हमारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जहाँ पर कई बार अकेले रहता हुआ व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है और बहुत समय के बाद उसके रिश्तेदारों को पता चलता है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। शाहनी अपने परिवार से अधिक गांव के लोगों के प्रति उदार मना थी, और इसीलिए गांव का जो दाऊद खां है वो अपनी अकड़ भूल जाता है, थानेदार है, किंतु वो ये जानता है कि शाह और शाहनी ने उसके और उसके परिवार के लिए कितना कुछ किया था। वो ये जानता है कि जिस समय मेला लगता था नदी के किनारे, उसके लिए खेमे गड़वा दिए जाते थे, उसकी पत्नी के लिए शाहनी ने सोने के कर्ण फूल भी बनवा कर दिए थे। आज शाहनी की जड़ और निर्जीव काया को देखकर वो भी स्तब्ध रह जाता है। वो कहता है, ये वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। और आज सिक्के बदलने के साथ साथ किस प्रकार से परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है, किस प्रकार वही शाहनी आज अकेले एक अजीब सी दृष्टि से इस हवेली को देख रही है जहां से उसे अब हमेशा के लिए अलविदा कहना है। सारा गांव शाहनी को विदा देने के लिए एकत्र होता है, चाहता है कि शाहनी रुक जाए, पर वो विवश हैं, कोई भी उसे रुकने के लिए नहीं कह पाता। अधिकांश मुसलमान जो अब तक उसके इशारों पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, सिक्के के बदल जाने के साथ सत्ता के इशारों पर नाचने लगते हैं। विभाजन ने मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों का गला घोट दिया था। सिक्का बदलने के साथ साथ अब शाहनी का उस गांव से दाना पानी भी उठ गया था। अपना सर्वस्व त्याग कर
हवेली को गाँव वालों को ही समर्पित करके, हवेली को अंतिम प्रणाम करके शाह ने भारतीय पंजाब की ओर रवाना हो जाती है और इसके साथ ही कथा का अंत हो जाता है। लेखिका ने समय, संस्कृति, परिवार, समाज, इतिहास, इन सब के बीच से प्रदेश की गहरी जांच पड़ताल की है और उन्होंने माना है कि किस प्रकार से विभाजन से पूर्व जो हमारे सपने एक थे, हमारी संस्कृति एक थी, हम भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहते थे, वो किस प्रकार से विभाजन के बाद हम सब अलग अलग ना केवल सोचने लगे, हम व्यवहार भी करने लगे। पूरी कहानी में घटनाएं पूर्व निश्चित है। स्थानांतरण, अपनों का बिगावनापन, ये सब घटनाएं एक दूसरे से संबंध है। इसलिए कहानी को जब तक समग्रता के साथ नहीं पढ़ा जाएगा तब तक वो अपना वांछित प्रभाव पाठक पर अंकित कर नहीं कर पाएगी। कहानी का शीर्षक लेखक में को बहुत चुन कर रखना पड़ता है क्योंकि इसी के माध्यम से उसकी मूल संवेदना पाठकों तक संप्रेक्षित होती है। शीर्षक का छोटा जिज्ञासावर्धक होना आवश्यक है। सिक्का बदल गया मुहावरे पर आधारित शीर्षक है जिसका अर्थ है आधिपत्य या अधिकारों का बदल जाना। अब तक जो अधिकार शाह परिवार के साथ थे कि गांव का कोई भी फैसला हो वो शाह परिवार ही लिया करते थे, शाह परिवार ही उनके फैसले किया करते थे, उनका झगड़े निपटाते थे, उनकी उस परिवार गांव में एक रुतबा था, वो किस प्रकार से विभाजन के बाद सिक्के के बदलने के बाद अधिकारों या शासन में बदलाव आने के बाद अब वही शाहानी जो सबकी सिरमौर हुआ करती थी, सबकी रानी हुआ करती थी, अब सबकी आँख की किरकिरी बन गई और सब उसे जल्दी से जल्दी गांव से बाहर करने पर उतारू हो गए। सिक्का कभी भी अकेले नहीं बदलता, वो अपने साथ ना केवल शासन तंत्र में परिवर्तन लेके आता है अपितु प्रेम, त्याग, सौहार्द और ममत्व पर टिके हुए सभी रिश्ते भी सिक्के के बदलने के साथ बदल जाते हैं, ढह जाते हैं और उनका स्थान स्वार्थ, सांप्रदायिकता, घृणा और द्वेष ले लेते हैं। संपूर्ण कहानी में हमें शीर्षक की अनुगूंज दिखाई देती है और जो ये अनुगूंज है वो शाहनी की पीड़ा के साथ निरंतर बढ़ते बढ़ते पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी का छोटा कलेवर होता है और इसीलिए उसके साथ साथ पात्र भी बहुत सीमित होते हैं। इस कहानी में दो पात्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, शाहनी और शेरा। शाहनी और शेरा दोनों ही कहानी के केंद्र बिंदु हैं जिनके चारों तरफ कहानी चक्कर खा रही है। शाहनी केंद्रीय पात्र है, आरंभ से लेकर अंत तक बनी हुई है और स्थानांतरण की पीड़ा को भी भोगती है। पति और पुत्र के निधनों उपरांत वो हवेली में शानो शौकत के साथ रहती है, संवेदनशील है, उदार है, ममत्व से भरी हुई है और इसलिए गांव की प्रत्येक व्यक्ति को अपना समझती है, उनकी समस्याओं को अपना समझती है और अपने सेवक और काश्तकार शेरा को अपने लाडले पुत्र के समान समझकर उसका लालन पालन करती है। शेरा पर उसे अखंड विश्वास है और इसलिए वो जब उसको ये पता चलता है, आभास होता है कि शेरा कोई षड्यंत्र कर रहा है तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाती। दाऊद को भी वो बहुत प्यार करती है, उसके मांगने पर मस्जिद के लिए बिना कुछ हील हवल करे 300 रुपए दे देती है। शाहनी में अद्भुत धैर्य हमें दिखाई देता है। कहानी में शुरू से लेकर अंत तक वो विनम्र बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं है। उसे हवेली लूटने, षड्यंत्र, हवेली के चबूतरे में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही थीं, उन सब का आभास हो जाता है किंतु
उसने अब तक कभी भी किसी से बैर नहीं समझा था, किसी का बुरा नहीं चाहा था और इसलिए वो सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती है। परिस्थितियों की छटपटाहट, सुगबुगाहट हमें शाहानी के माध्यम से ही दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि अपने घर से बिछड़ने का दुख क्या होता है। वो निश्चित करती है कि वो इस घर को छोड़ते हुए रोएगी नहीं। जिस घर में वो शानो शौकत से रही है, इस पुरखों के घर में को वो मान से, स्वाभिमान से लांघेगी। उसने कहा, यह देहरी जिस पर एक दिन रानी बनकर आ खड़ी हुई थी, अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। अन्य पात्रों में शेरा जाति से मुसलमान और काश्तकार है, किंतु दंगों ने उसके अंदर के इंसान को मार दिया और शैतान जाग गया और इसीलिए वो अपने मित्र के साथ हवेली को लूटने का षड्यंत्र बनाता है, शाहानी को मारने का षड्यंत्र बनाता है। ना केवल 30-40 कत्ल कर चुका है किंतु शाहजी की संपत्ति पर भी उसकी गिद्ध जैसी आंख लगी हुई है। प्रतिहिंसा की ज्वाला उसे निर्मम बनाती है किंतु कहीं ना कहीं वो तीव्र द्वंद्व से भी ग्रसित दिखाई देता है। जब शाहानी उसके पास आती है, जिस समय वो मारने के लिए चाकू की धार बना रहा था, वो बौखला जाता है। उसे लगता है कि ये तो वही शाहानी है जब शाहजी उसे डांटते थे और वो गुस्से में औंधे मुँह लेट जाता था बिना कुछ खाए पिए, तो शाहानी प्यार से उसके लिए दूध से भरा हुआ गिलास लेकर आती थी और कहती थी कि बेटा कुछ नहीं तो यही पी ले। ऐसे में शाहानी के झुर्रिये भरे मुख को देखकर कहीं कहीं ना कहीं उसके मन में उसकी हत्या का जो निश्चय है, इरादा है, वो डगमगाने भी लगता है। वो बोलता है कि हमारे ही भाई बंधुओं की सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे, किंतु इसमें शाहानी का तो कोई कसूर नहीं है। शाहानी तो हमसे माँ की तरह ही बात करती थी, माँ की तरह ही हमारा देखभाल करती थी और इसलिए अंत में वो दाऊद से कहकर जल्दी से जल्दी शाहानी को ट्रक में बिठाकर भेजने का उपक्रम करता है। कहानी के अंत में वो शाहानी का पैर छूकर उसे आशीर्वाद भी लेना चाहता है और चाहे इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने मन के बोझ को उतारने का असफल प्रयास करता है। वो शाहानी का लाडला बेटा है, शाहजी का विश्वास पात्र है, इसलिए वो ये जानता है कि बंटवारा चाहे कुछ भी हो, शाहानी के जाने के बाद संपत्ति का अधिकांश अंश उसे ही मिलेगा। उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात शाहानी ने ही उसे पाला था और इसलिए वो शाहानी की हवेली में बिना किसी रोक टोक के जा सकता है और ये बात उसे निश्चित करती है कि वो आराम से उसकी संपत्ति का अधिकारी बनेगा। एक तरह से हम देखें तो उसकी कहीं कहीं उभरने वाली भावुकता हमें आरोपित सी भी दिखाई देती है। समग्र रूप में देखें तो वो हमें एक दुर्बल और संकीर्ण मानसिकता वाला पात्र लगता है। अन्य पात्रों में हुसैना, दाऊद खां, बेगू पटवारी, मौलवी और गांव के जो अन्य पात्र हैं वो गौण हैं। ये सभी पात्र स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान खेमों में ना बटके मानवीय पात्र हैं, मानव हैं और इसलिए इनमें दुर्बल पक्ष भी हमें दिखाई देते हैं जो अपनी अपनी समस्याओं, अपनी अपनी दुविधाओं में ग्रसित हैं। शेरा और शाहानी के एहसानों से दबे होने के कारण अब भी थोड़ा सा दुखी है किंतु अपने मुसलमान भाइयों के निर्णय को भी अनदेखा नहीं कर सकता। उसी तरह से दाऊद भी शाहानी की उदारता को नहीं भुला पाता और उसे ये बताता है कि वो थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ी सी जेवर अपने साथ ले जाए क्योंकि कठिनाई में ये संपत्ति उसका साथ देगी, किंतु शाहानी मना कर देती है और उसे लगता है कि जब वो लोग ही उसके साथ नहीं हैं, वो रिश्ते ही उसके साथ नहीं हैं, तो वो संपत्ति लेकर क्या करेगी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्त्रियां उनके साथ अपनी संवेदनाओं को दिखा भी रही हैं, उनमें कुछ बूढ़ी औरतें ज़रूर शाहनी के साथ अपनत्व रखती हैं, किंतु जो युवा स्त्रियां हैं वो चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दंगाइयों में उनके पति भी हैं और अगर वो विरोध करेंगी तो कहीं ना कहीं अपने पति का भी विरोध करेंगी। भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो भाषा कृष्णा सूक्ति की भावानुकूल है, पात्रानुकूल है और उन्होंने भावों के साथ साथ शब्दों के साथ खेला है। वर्णनात्मक, नाटकीय और पूर्व स्मृति जैसी शैलियों को उन्होंने अपनी इस रचना में लिया है और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी रचना को आगे बढ़ाया है। संक्षिप्त, सरल, प्रसंगानुकूल भाषा के साथ साथ पंजाबी पात्रों की जो संवाद हैं उसमें पंजाबियत हमें नज़र आती है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो भावों के अनुरूप जो संवाद हैं वो बदलते दिखाई देते हैं, जैसे गुस्से में चीखते हुए बोलना, नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा या बेगू पटवारी ने गला साफ करते हुए कहा, इस प्रकार के हमें संकेत भी इस कहानी में दिखाई देते हैं। पात्रों का अंतर्द्वंद भी उनके संवादों के माध्यम से हमें दिखाई देता है। तत्सम, देशज, उर्दू शब्द युग्म का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। कुछ शब्द उदाहरणार्थ लालिमा, कलानी, सरकाकर, खामोश, लंबी चौड़ी, मगर मगर आदि को लिया जा सकता है। मुहावरों में दुनियादारी, मन फिरना, सोना उगलना, बीज बचाव करना हम ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी शब्दों से भी गुरेज नहीं किया और ट्रक, कैंप जैसे शब्दों को उन्होंने अपनी रचना में लिया है। काव्यात्मकता की सृष्टि भी उन्होंने अपनी इस रचना में की है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी गद्य को पढ़कर हमें एक काव्य की भी अनुभूति होती है, जैसे बेजान सी, शंकित सा, दुर्बल सी, सहम सी, भयानक सा। इस तरह से हम देखें तो अपनी अपने उद्देश्य को लेकर लेखिका सफल रही हैं, जिसमें उन्होंने नैतिक मूल्यों के संस्थापन द्वारा किस प्रकार से जीवन बदलता है, सिक्के के बदलने से किस प्रकार से मनुष्य बदल जाता है, उसकी संवेदनाएं बदल जाती हैं, इसका उन्होंने इस कहानी में अंकन किया है और उसमें वो सफल रही हैं। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा जी को, जिनके माध्यम से आज हमने कृष्णा सोपति के सिक्का बदल गया इस पर चर्चा की। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर किसी कारणवश हम आपकी कॉल नहीं ले पाए या आप प्रश्न नहीं पूछ पाए तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आप अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं info.cec@nic.in पर। हम आपसे वादा करते हैं जब अगली बार डॉक्टर रुचिरा ढींगरा हमारे स्टूडियो पहुँचेंगी तो हम आपके प्रश्नों को, आपकी ईमेल्स को ज़रूर शामिल करेंगे सीसी के इस लाइव व्याख्यान में। आपसे यही कहना चाहते हैं कि निरंतर हमें देखते रहें, लिखते रहें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।